नमस्कार, 150 गांव 150 खबर देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दीगोद ब्लॉक क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों की एक दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक क्षेत्र को शौच मुक्त करने को लेकर दिशा निर्देश के साथ ही ग्राम वार शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। कोयला गांव जाने वाली सड़कों के दोनों ओर कटीले झाड़ियां उगी होने की वजह से राहगीरों को दिक्कतें आ रही। सड़क किनारे झाड़ियों के चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं सड़क पर अचानक मवेशी आने से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। पौरवा में बिजली के पोल से निकली चिंगारी ने 5 पशु बाड़ों का जलकर अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी में 1 भैंस की मौत हो गई। शाहबाद में विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा बेखौफ विद्युत की चोरी की जा रही है। कर्मचारी घर के बाहर से निकली विद्युत की लाइन से बिजली चोरी कर रहा है। मोहल्ले के लोगों की शिकायत के बाद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सारथल में एक ही रात में चोरों ने 8 घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक लगभग 2 लाख की नकदी और 2 लाख के जेवरात चोरी हो गए हैं। अटरू में इन दिनों निजी स्कूलों के वाहनों का उपयोग शादी विवाह और सवारी ले जाने के लिए हो रहा है। बिना टैक्स जमा कराकर स्कूल वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं स्कूली बसों से अवैध रूप से सवारी वाहन के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। छबड़ा के रेलवे स्टेशन पर आए दिन टिकट विंडो को टिकट बाबू बंद कर देता है, जिसके कारण यात्री परेशान होते हैं। रेलवे के अधिकारियों से टिकट विंडो पर लापरवाही की शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। सुल्तानपुर में सूफी संत के आकस्मिक निधन पर बूंदी दरबार बलभद्र सिंह ने शोक संतप्त परिवार को घर जाकर सांत्वना दी। पचपदरा पुलिस ने 1.5 महीने पहले पकड़े गांजे के मामले में आरोपी से पूछताछ के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के बकानी में देवनगर में राजस्व अपील न्याय आपके द्वार शिविर का समापन हो चुका है। बांसवाड़ा के मंगलपाड़ा गांव की मुख्य सड़क पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। सड़क जगह जगह धंस चुकी है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोप ग्राम पंचायत में सरपंच की मनमानी को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। ना तो गांव में पेयजल आपूर्ति हो रही है और ना ही नियमित सफाई। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छापा वाली के अटल सेवा केंद्र में एक शिविर लगाकर 284 श्रमिक कार्ड वितरित किए गए। कार्ड से श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। दौसा के मेहदीपुर बालाजी में टोडा भीम रोड पर सड़क के किनारे गंदगी के ढेर लगे हैं, वहीं कमरे में भी गंदगी भरी पड़ी है। ग्राम पंचायत बामनवास के बाढ़ छाबडा में श्याम जागरण में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। डूंगरपुर के थाना में बड़ौद राजस्थान ग्रामीण बैंक ने बैंक चौपाल आयोजित की। वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत आयोजित चौपाल में ग्रामीणों को बीमा, कृषि और ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बीकानेर की कोलायत में 2 घरों में हुई चोरी और नकदी समेत हजारों का सामान पार कर लिया गया। कोलायत में बढ़ती चोरियों को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है, लोग पुलिसिया कार्यशैली से नाराज हैं। हिंडौन सिटी के खेड़ा जमालपुर के पास गंगापुर मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण से गांव का रास्ता नीचा हो गया है, जिससे रास्ते में पानी भरने की आशंका है। ग्रामीणों ने नीचे रास्ते पर पुलिया निर्माण की मांग की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। डोंगरज्जा में न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत राजस्व लोक अदालत शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 205 मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर तहसीलदार भी मौजूद थे। धौलपुर के बाड़ी में विकास अधिकारी ने अनिकट का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
धनौरा में जहानपुर में बन रहे एनीकट के निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए सख्त निर्देश दिए गए। सिवाना के तेलवाड़ा में एक विवंदित नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के भाई ने पुलिस में नामजद मामला दर्ज करवाया है, पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जालौर के मंगल वायरस में तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बेकार बह जाता है। तपती गर्मी में जहां लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, वहीं घाटोल में सड़क पर पानी बहता रहता है। बांसवाड़ा के करजी सूरवानिया में मुख्य सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। राजमहल ग्राम पंचायत में ग्रामीण पिछले कई दिनों से खनन माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खनन माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय उल्टे किसानों को धमका रहे हैं। कालवासिया में एक सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया, इस सड़क पर 5 लाख रुपए की लागत आएगी। दौसा के मानपुर में बिजली पानी की समस्या को लेकर हरिजन समाज के लोगों ने मानपुर सरपंच को ज्ञापन सौंपा है। बढ़ती गर्मी में बिजली पानी को लेकर बस्ती के लोग परेशान हैं, इधर सरपंच ने लोगों को आश्वासन दिया है। कोटपुतली के भानपुर कला में जेडीए ने नई सड़क बनाई है जो बिचीवाड़ा पुलिया तक है। कांकरेलिया की ढाणी और तलाई से धीमपुर तक की सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे हादसे से निजात मिलेगी। डूंगरपुर जिले के सेमलिया घाटा गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार की मौजूदगी में 4 घंटे तक जेसीबी मशीन चली और अवैध निर्माण तोड़े गए। कारी चार नान पंचायत के गंगापुरा में उर्मूल सीमांत समिति बज्जू का 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मोटावाता समेत कई गांवों की बालिकाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। करौली के सपोटरा में ग्राम पंचायत दौलतपुरा समेत कई गांवों में लगभग 20 गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। चौड़िया खाता दौलतपुरा मातोरिया समेत कई गांवों में पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। नोताडा में पंचायत सरपंच ने नरेगा कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया और श्रमिकों की परेशानी सुनी। सरपंच ने मेज हाजिरी से लेकर श्रमिक मौजूदगी रजिस्टर तक देखा, इस दौरान श्रमिकों ने गर्मी के चलते समय परिवर्तन की मांग की। बाड़ी के बसेड़ी रोड पर 5 दिवसीय शिविर के तीसरे दिन 120 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बाड़मेर के लंगेरा के एक युवक पर करीब 1 दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर घायल कर लिया, 71,000 रुपए लूट लिए। देना बैंक से रुपए निकालकर निकले युवक पर सरियों और लाठियों से हमला किया गया। सोलोनिया की ढाणी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेटा में एक कच्चे मकान में घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बांसवाड़ा के बडाना गांव में नहर पर बने पुल की 4 दीवारी टूट गई, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फुलेता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बीते दिनों बनाई गई सीसी सड़क चंद दिनों में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से उखड़ने लगी है। सड़क पर कई जगह गहरे गड्ढे भी हो गए हैं, ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को खत लिखकर शिकायत की। सादुल शहर पंचायत समिति की राजस्थान मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय सभा सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में हुई।